देखें, पूजा हमने की तो जो प्रार्थना कर रहे थे पंडित जी वो बहुत खूबसूरत थी, और वो एक धर्म के लिए नहीं कर रहे थे, वो एक जाति के लिए नहीं कर रहे थे, वो पूरी इंसानियत के लिए प्रार्थना कर रहे थे, वो पूरी ज़मीन धरती पृथ्वी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। आइडियोलॉजी का नाम लेकर भारत को भी हज़ार साल तक रौंदा गया, और अब बलूचिस्तान को रौंदा जा रहा है, और इसके बाद जो अगर बलूचिस्तान ये जंग जीत ना सका तो फिर इनका जो रुख होगा वो फिर भारत ही की तरफ होगा। और आज भी भारत में जितना आतंक है वो ना पाकिस्तान से ही आ रहा है। कि उन बेचारी वो जो बेचारी खातून है उनके मुंह से इतना दर्द क्यों अब निकल रहा है? ये दर्द देखिए होता क्या है ना कि एक गुस्सा और एक झिझलाहट जो होती है ना वो बर्दाश्त करते 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 एक बार ब्लास्ट होती है, एक बार ब्लास्ट हो जाती है। किसी भी चीज को इंसान बर्दाश्त करता है करता है करता है, और उसके बाद फिर जब देखता है कि भाई 75 साल पाकिस्तान को हुआ, जो उस 75 साल में पाकिस्तान ने कोई तरक्की नहीं की, कोई नाम नहीं कमाया। अभी हाल ही में ताजा खबर के अनुसार हरिद्वार पहुंची बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री नाइला कादरी, और उन्होंने पूजा अर्चना की हरिद्वार घाट पर, जिसके बाद में बलूचिस्तान की आजादी के लिए मांगा भारत का साथ और उन्हें अपना वादा याद दिलाया, यानी भारत को ये याद दिलाने की कोशिश की कि कैसे उन्होंने बलूचिस्तान को आजाद करने के लिए मदद करने का वादा किया था। और इन सब के बाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताती हैं कि किस तरह से पाकिस्तान उनके बलूचिस्तान पर जुल्म ढा रहा है, किस तरह से वहां की माइनिंग कंपनी को बुला करके वहां पर माइनिंग कराए जा रहे हैं, चाइना को भी बुला लिया गया है वहां को लूटने के लिए, किस तरह से बुलडोजर्स आकर पूरे गाँव को उजाड़ रहे हैं, गाँव के गाँव तबाह कर रहे हैं। अब फिलहाल सोचने की बात ये भी है भारतीयों के लिए या भारत के लिए कि ये अब जब निर्वासित हो चुकी हैं तब ये पीएम मोदी से मदद मांग रही है, बीजेपी से मदद मांग रही है। इससे पहले जब ये भी सत्ता में थी तब शायद इन्होंने मदद की मांग नहीं करी, अब इनको भी शायद कहीं ना कहीं लालच है। तो अब इस पर क्या रवैया होगा, क्या रुख होगा, ये तो देखने की बात है भारत के लिए, भारत इस पर क्या रुख अख्तियार करता है। लेकिन इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी भारत से मदद मांगने के लिए, और अपने ऊपर हो रहे जुल्म सितम का रोना धोना इन्होंने जो किया वो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा कि कितने दर्द से ये गुजर रही हैं, या इनके पब्लिक या बलूचिस्तान में कितने जुल्म ज्यादा हो रही है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, इनका दर्द आपको सुनने को मिलेगा। और शायद यही कारण रहा हो कि इनको निर्वासित कर दिया हो पाकिस्तान आर्मी ने, क्योंकि ये भारत से मिलने और अपने बलूचिस्तान की दुर्दशा को सुधारने की बात कर रही होंगी उस टाइम पे, तो इनको वहाँ की आर्मी ने उजाड़ कर फेंक दिया होगा, इनकी सरकार को पलट दिया, इनकी सत्ता को बर्बाद कर दिया, यही होता है पाकिस्तान में। अब इन सब कारणों से अब इन्हें भारत याद आ रहा है, और वो जानती भी है कि भारत ही इकलौता ऐसा देश है जो इनकी मदद कर सकता है, अगर भारत चाह ले तो इनकी मदद करके इनको आजाद कराने का काम कर सकता है। अब भारत ऐसा करता है या नहीं करता है ये आगे भविष्य में देखने को मिलेगा। कोई मर्तबा नहीं कमाया, और आज तो हालत ऐसी है कि आटे चावल के लिए आप लोग चोरी चमारी कर रहे हैं, आपकी आवाम रो रही है, आपकी आवाम बिलक रही है, आपकी आवाम के आंखों से आंसू निकल रहा है, आपकी आवाम के मुंह से कोसा निकल रहा है, वो लोग कोस रहे हैं, कर्ज दे रहे हैं आपके पाकिस्तान की सरकार को, तो वो झिझलाहट उस खातून के मुंह से बाहर आई। देखें, इंडिया की तो हमेशा से ही कोशिश रही है पाकिस्तान के किसी न किसी तरीके से उसको सेपरेट किया जाए, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान का किस्सा हो, चाहे वो आज़ाद कश्मीर का हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, और वो एक किस्म एक किसी तरह बलूचिस्तान का भी हिस्सा था, इसी तरह वो हमारी हैं, वो पहले इधर पाकिस्तानी थी, एग्जाइल कर दिया उसको, मखल में अब कनेडियन है शायद USA में है, तो वो इंडिया से मदद मांग रही हैं। इंडिया भी पहले ये इंडिया तो हमेशा से ये चाहता है कि हमारे, और जिस तरह हम 71 में 1971 में 2 लाख तो हुए थे, इसी तरह बलूचिस्तान भी लादा हो जाए, क्योंकि हमारा तो बलूचिस्तान पार्ट एंड पार्सल है, हमारा सब कुछ तो बलूचिस्तान आता है। जैसे आपको पता है कि रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है, हमारी सारी मादनियात बलूचिस्तान में है, सुई गैस गैस भी वहीं से निकलती है, सब कुछ उधर से, तो क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान के वो सूबे जहाँ पे पाकिस्तान का सारा रेवेन्यू जनरेट होता है, चाहे वो गैस हो चाहे वो तेल हो। आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ, आपको बलूचिस्तान में हमारे पास सोने के ज़खायर भी हैं, वो मकाम है, रिकॉर्डिंग का मकाम है, तो इसलिए इंडिया भी चाहता है कि वो हमारे पास आ जाए,
इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान है, इसी तरह आजाद है जम्मू कश्मीर है, क्योंकि हमारे सारे दरिया जो है मेनली बेसिस उनकी आजाद कश्मीर उधर ही है। तो हम यही दुआएं करते रहे, यही प्रार्थना करते रहे कि बलूचिस्तान की आज़ादी और बलूच को और इस पूरे साउथ एशिया को, भारत को, बांग्लादेश को, नेपाल, अफगानिस्तान, यहाँ जितने देश हैं सब में शांति हो, सब एक दूसरे के साथ सुख चैन से जिए। जो ना पाकिस्तान है उसने बलूचिस्तान, जो एक आज़ाद मुल्क था, उस पर कब्ज़ा किया फौज भेजकर, और इस फौजी हमले से जो बलूचिस्तान में इस वक्त हालत है वो ये है कि बलूचों को एक ऐसे मार रहे हैं, काट रहे हैं, बलात्कार है, लूट मार है, घर जला रहे हैं, बाग जला रहे हैं, पानी में जहर मिला रहे हैं, और बुलडोजर्स लाकर गांव के गांव जो है वो तबाह कर रहे हैं। देखिए, किसी भी तरीके के, किसी भी कन्विंसिंग सिचुएशन पर या कन्विंसिंग सिनेरियो में हिंदुस्तान बिल्कुल नहीं है। बलूच के वो एक्स प्राइम मिनिस्टर ने या चीफ मिनिस्टर ने जो भी उस खातून ने बात कही है, उनके दर्द को मैं समझ सकती हूँ, उनके हालात को मैं समझ सकती हूँ, उनकी उनके उनके आंसू को मैं समझ सकती हूँ, लेकिन पाकिस्तान जो है एक बिच्छू है, कब डंक मारेगा, कैसे मारेगा, क्यों मारेगा, ये इसके इसका रिस्क हिंदुस्तान लेने के मूड में नहीं है। इसलिए बलोच की जो महिला ने इतने बड़े पद पे वो थी, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं उनको मान सम्मान देती हूँ, मैं उनका दर्द समझती हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। देखिए, पंजाब को क्यों नहीं कहते, बिकॉज पंजाब में कुछ है ही नहीं, पंजाब में सिर्फ वो अपना मैदानी इलाके हैं, तो गंदम वगैरह या चावल वगैरह हो जाती है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है, बाकी सब कुछ तो इधर है। इसी तरह 110% चांसेस हैं एज पर माई ओपिनियन के वो इंडिया उसको साथ देगा, वेदर इट वुड बी UN, यूनाइटेड नेशंस, और चाहे और जनेवा हो या कुछ और हो या कोई और केसेस हो, तो इंडिया डेफिनेटली उसका साथ देगा पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से हट करने के लिए। आप ये पंजाब में तो चलें, फिर कुछ ना कुछ है लाहौर के, मैं देख लें CBD अंडरपास बना है उसका क्या हाल हुआ है। आप मैं सिंध का चक्कर लगा के आया हूँ, आप सिंध का अंदाज़ा करें, गड़ी खुदा बख्श जहाँ पे वो बेनज़ीर भुट्टो का मज़ार है, उसके अलावा आप देख लें इतने करोड़ों इतने अरबों रुपये के वहाँ पे फंड्स जारी हुए हैं, लेकिन इतना गंदा वहाँ पे जिस तरह कूड़ा कड़क के रूढ़ी नहीं होती जिस तरह वो वाला साहब है। और इसमें ये कि लूट मार है, जो हमारे पास जो मिनरल्स हैं, गोल्ड माइंस हैं, गैस है, हमारे जो पोर्ट्स हैं, हमारे वो सब में लूट मार कर रहे हैं, फिर अपने साथ चीन को भी ले आए हैं, और फिर जो बैरक गोल्ड कंपनी है उसको भी ले आए हैं। तो एक लूट मार है, खुद भी लूट रहे हैं, बाहर से भी लुटेरों को ला रहे हैं। बेसिकली देखें, बात पता है कि अभी जो उन्होंने बात की है ना, वो ठीक तो नहीं है, क्योंकि आप पाकिस्तान के साथ हैं और फिर आप एक ऐसी जगह पर जाके बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडिया में बात कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपके उनके साथ किस किस्म के रिलेशन हैं। लेकिन समहाउ अगर देखा जाए तो इधर इस चीज़ को डिस्कस करना ज़रूरी था कि, क्योंकि अभी देखा जाए अभी हमें 50 साल हो गए हैं, बांग्लादेश वाला हमारे सामने है सब कुछ, उन लोगों के भी यही इश्यूज थे बेसिकली कि हाँ ठीक है, उन लोगों के साथ जो सलूक होता था, हमें सिर्फ आज तक वही मुताला पाकिस्तान में पढ़ाया कि नहीं जी बंगालियों ने ये कर दिया वो कर दिया, बट अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, चीज़ रीड करते हैं, रियल हिस्ट्री देखते हैं, बंगालियों के साथ बहुत बुरा हुआ है। हम लोगों ने, बींग अ पंजाबी मैं सीधी सी बात करूँगा, पंजाब वालों ने बंगालियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। अभी जो कुछ हो रहा है उधर बलूचिस्तान के अंदर, उसमें भी सारा रोल आर्मी का ही है, अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है, जो टॉप अभी स्मगलिंग उधर इतनी ज़्यादा हो रही है। तो इसमें बलोच जो आंदोलन कर रहा है, बलोच का जो इस वक्त क्रांति है आज़ादी की, वो सारी दुनिया में जो लोग इस इन्होंने जो अशांति फैला रखी है, जो इन्होंने आतंक फैला रखा है, उसको अगर ख़त्म करना है तो उसके लिए बलोच के साथ जुड़ना होगा, को जुड़ना होगा बलोच के आंदोलन के साथ, और भारत की सरकार को, सबसे ज़्यादा भारत की सरकार यूनाइटेड नेशंस में हमारे साथ जोड़ सकती है। हम यूनाइटेड नेशंस में बलोच अपना मुद्दा रखते हैं और हमें वहाँ पर साथियों की ज़रूरत है। हम एक न्यूक्लियर स्टेट है, हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है, तो अगर अमेरिका नॉर्थ कोरिया को कुछ नहीं कर सकता ना, तो बाकी पूरी दुनिया मिलके भी हमारा कुछ नहीं कर सकती। अगर हम चाहेंगे
अलहदा होने देंगे, ये बड़ी क्लियर बात है। अगर हम नहीं चाहेंगे ना तो इंडिया हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो या पूरा नेटो, यूएन, जो मर्जी हो, हमारे साथ कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग इटसेल्फ एक न्यूक्लियर स्टेट है। हमें कोई कोई बात कहेगा या कोई चीज़ करेगा, इस मामले में वही बात है ना कि हमारे प्रोज एंड कॉन्स हैं। हमारी आर्मी के साथ बहुत मसले भी हैं, अगर तो आर्मी हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट भी बहुत ज़्यादा करती है। आज हम बैठे हुए हैं उसकी वजह से बैठे हुए हैं। न्यूक्लियर हमने आर्मी की वजह से अपनी बनाया है, अगर हमारी आर्मी ना होती तो हम न्यूक्लियर स्टेट नहीं बन सकते। हम ये इन सारी चीजों को महत्व ही नहीं देते हैं। आज हिंदुस्तान अपनी तरक्की पर फोकस कर रहा है, हम सब अपने अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। हमारे लिए हमारी जनता को सुख सुविधा देना, हमारे देश की तरक्की को आगे लेकर जाना, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा काम है। आज दुनिया के जितने भी देश हैं, मुस्लिम कंट्रीज हो या आपके यूएस हो, सारे हमें हमारी प्रशंसा कर रहे हैं और हमें रिस्पेक्ट दे रहे हैं और हमें बहुत अच्छे नजरों से देखा जा रहा है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री को सर्वप्रथम रखा जा रहा है, तो क्या हमने सबको फंड कर दिया है? क्या हमने तो सबको फंड नहीं किया है ना। निम्रा बहुत अच्छी दिख रही है, आपने मुझे फंड कर दिया क्या? जो अच्छा दिख रहा है वो अच्छा दिख रहा है। नाजिया प्रो भारत की बेटी है, जो है सो है। आप अपने इंटरव्यू को स्टार्ट करते ही आपने कहा कि भारत की बेटी नाजिया इलाही खान से एक बार फिर से मुलाकात। तो क्या मैंने आपको फंड कर दिया है क्या भारत की बेटी बोलने के लिए? नहीं किया है। ये आपको लगा, आपने 7-8 इंटरव्यूज किए तब आपको लगा कि मैं प्रो भारतीय हूं। तो देखिए, पाकिस्तान के पास अब कुछ बचा नहीं है सिवाय इन सारी दलीलों के अलावा। जरूरत होगी तो बलूचिस्तान भारत के साथ जुड़ेगा और भारत के साथ भारत की जनता और बलूच जनता जुड़कर अपने जो गरीबी खत्म करना है, जो एजुकेशन है, जो लोगों की जिंदगी को अच्छा करना है, उसमें हम एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। पर ये कि आज जो बलोच तकलीफ में है, आज जो बलोच दुख में है, जो आज की पीड़ा है बलोच की, उसमें भारत को जुड़ने की आज ज़रूरत है हमारे साथ। आर्मी ना होती तो हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। आर्मी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, आर्मी पर आर्मी को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। एक बड़ी सिंपल चीज़ है, कोई भी अब जैसे करंटली ये चल रहा है जो बलूचिस्तान में चल रहा है, सेम इसी तरह से पश्तूनों के भी ये मसले हैं, ठीक है। और उसके अलावा सिंध में भी ये चीज़ है, सिंध में ज़रा वडेरा कल्चर है, उनको ज़रा वो सप्रेस कर लेते हैं, ठीक है। बलूचिस्तान में 2007 में नवाब अकबर भुट्टी को कत्ल किया इन्होंने, वो दिन और आज का दिन बलूचिस्तान में ऐसी आग लगी है, वो दोबारा इनके काबू में आई नहीं। तो ये सारे जब पहले ही ऑल टू ऑल देखा जाए, बैक ऑफ द स्टोरी, बैक ऑफ द पिक्चर में आर्मी खड़ी होती है, वही है। लाइक दे आर प्लेइंग लाइक ये सारे आगे पपेट्स हैं और वो मास्टर पीछे वो है, तो वो इनके साथ साइड पे आ गए। हमें जाना बांग्लादेश वाली साइड पे था, इस साइड पे सारा डीएचए बनना था, गलती से हम डीएचए में आ गए और उस साइड पे ओरिजिनल पाकिस्तान होना था, बस हमारी गलती ये है। अभी भी आप देखें आर्मी अपने बिजनेस चला रही है, मुल्क का 75% अपना बजट ले रही है ऐसी है, और अपने अंदर भी बिजनेस चला रही है। आर्मी के अंदर भी बिजनेस होता है, आपके जो वेपन्स आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। आप अगर देखा जाए, अगर अभी हम चाहें इंडिया से अभी ट्रेड करके अपने हालात ठीक कर सकते हैं, नहीं दुश्मनी वाला ले आते हैं ये बीच में सारा। तथी ना वो ये आती है कि आप बलूचिस्तान वालों को भी ज़रा मिसहैंडल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान वालों को आप डील नहीं कर पा रहे, उनको देख नहीं पा रहे। कोयटा के अलावा पूरे बलूचिस्तान में पुलिस नहीं, FC फेर रही होती है। आपको उनके राइट्स देंगे, उनको डील करेंगे जैसे आप पंजाब के लोगों को डील करते हैं, या जैसे उनको उनके राइट्स देंगे? हमारा जो मैसेज है आपके ज़रिए ही से जा रहा है कि ज़िंदगी का भी एक पैकेज है और सरकार का भी एक पैकेज है। ना ज़िंदगी हमेशा रहेगी, ना ये सरकार हमेशा रहेगी, पर नाम रह जाएगा। ये जो मौका आज है नरेंद्र मोदी जी के पास और BJP की सरकार के पास, शायद कल ना हो, तो आज बलूचिस्तान को उनके प्रोएक्टिव रोल की ज़रूरत है। जो लाल किले से बोला था उस पर अमल करने की ज़रूरत है। ये चाहिए, जिस तरह हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, इसी तरह इंडिया को भी चाहिए कि वो अपने इंडिया के बारे में ही सोचे, क्योंकि वहाँ पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर बहुत सारी मूवमेंट्स हैं जो एक्टिव हैं,
और इंडिया को, नरेंद्र मोदी को चाहिए कि पहले वहाँ पर अपने आप पे फोकस करे, वहाँ पर अपनी जो मूवमेंट्स हैं उन पे वर्क करे। और जो हो वहाँ पर देखें ना, वहाँ पर ही बहुत सारे तबकात हैं जो कि जिनको राइट्स नहीं मिल रहे। अब देखें वोमेन का जो इशू है वहाँ पर, मणिपुर का जो इशू रिसेंटली हुआ है, तो एक बहुत बड़े सेंसिटिव इशूज़ हैं। और इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ पर अपने मसाइल को एड्रेस करें, रेदर दैन कि आप अपने हमसाया मुल्क में जो एक एक एटॉमिक पावर है, हम तो एटॉमिक पावर के इंटरनल जो मैटर हैं, बलूचिस्तान हो गया, ये इस तरह के जो और भी हमारे जो हैं, ये हमारे इंटरनल इश्यूज़ हैं और इनको हम बेहतर तौर पर एड्रेस कर सकते हैं।